आधा सिंध डूबा हुआ है और सिंध हुकूमत रैलियां निकाल रही है। क्या सईद गनी कल अपनी हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकालेंगे? 18वीं तरमीम के तहत फंड्स सूबाई हुकूमत के पास हैं और मुराद अली शाह रोना रोते हैं कि विफाक ने कुछ नहीं किया। हलीम आदिल शेख साइंस सरकार पर बरस पड़े, बोले सिंध हुकूमत अपनी हर नाहली का इल्जाम विफाक पर आयद करना बंद करे। सईद गनी ऐसे सूबाई वजीर तालीम हैं जो अपने रवैये से अभी भी जेर तालीम लगते हैं। सिंध के कई जिला बारिश के पानी में गुज़िश्ता एक महीने से डूबे हुए और रात को वो शादीपल्ली के गांव मजीद पावर में उस बारिश के पानी में डूब के मर गई, जो इस नाअहल और इस करप्ट सिंध हुकूमत ने नहीं निकाला। मर गई वो बेचारी 20 साल मीरा कोहली। 18वीं तरमीम के तहत सारे फंड आपके पास है, हजारों अरब रुपए आपके पास है, लेकिन जब कोई भी मुसीबत आ जाए तो आप कहते हैं कुछ भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बासर लोगों ने अपनी जमीने बचाने के लिए गरीबों के गोट और गरीबों की जमीने बर्बाद कर दी, पानी उसमें फेंक दिया। मुराद अली शाह साहब का सारा रोना धोना इसमें लगा रहता है कि जी वफाक ने कुछ नहीं दिया, वफाक ने कुछ नहीं दिया, वफाक ने कुछ नहीं दिया। सईद गनी साहब के जरिए वो वजीरे तालीम जो लगता है कि अभी तक खुद जेरे तालीम है।